हे गाइस, वेलकम बैक टू गार्डनिंग एक्सपीरियंस। आज आप लोगों को इस तरह एक पेड़ बताएंगे। ये जो पेड़ आप लोग दिख रहा है, ये ब्रह्म कमल है। इसको 3 साल से ऊपर लगता है फ्लावरिंग होने के लिए। उसको प्लांटेशन कैसा करना दिखाएंगे। छोटा सा पन्नी में इसको गाढ़ा हुआ है। अभी हम जो लोग नया पॉट जो मंगाए हैं उसमें प्लांटेशन करेंगे। नया पॉट को देखिए, 4 होल कर दिए, ये ड्रेनेज के लिए ज़रूरी है। और उसमें क्या क्या हम लोग मटेरियल चाहिए देख लेते हैं। जो कोना में दिखा है वो खाद है, ये आके नारियल छिलका और सैंड और मिट्टी है, सॉयल है, गार्डन सॉयल। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नारियल का छिलका है वो नीचे ड्रेनेज होल का वहाँ में डाल देते हैं। उसके बाद जो गार्डन सॉयल और वो डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं गोबर इसमें खाई में। एक्स्ट्रा खाद डालने की जरूरत नहीं है, जो काई है उसी में बहुत सारा विटामिन सारा होता है प्लांट्स को चाहिए वाला। वो खाद को हम लोग सुखा लिए हैं 2 हफ्ते तक, उसके बाद इतना ब्लैक ब्लैक हो गया। उसके बाद दोनों मिक्स करा वाला डाल लेते हैं नीचे। ब्रह्म कमल को पन्नी निकाल के उसको बगल बगल का मिट्टी निकाल लेते हैं। उसका बगल बगल का मिट्टी निकालने का कारण यह है कि अच्छे से रूट ग्रो हो। इसको 3 साल लगेगा फ्लावरिंग होने के लिए। अभी रात का समय इसका फ्लावरिंग होता है। रात का समय होएगा, दिन के टाइम में फ्लावर मुरझा जाएगा। तो साइड साइड मिट्टी डाल लेते हैं। जो ब्रह्म कमल का जो पत्ती है जो झुल गया है उसको बांधने के लिए एक बम्बू ले लेते हैं। उसको सपोर्ट होएगा बांधने से। उसको बांधने टाइम ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना, हल्का हल्का गाठी मार लेने से बस है। उसके बाद पानी डाल लेते हैं। पानी पूरा डालना चाहिए स्टार्टिंग प्लांटेशन करने टाइम में पॉट में। उसके बाद जो ऊपर का मिट्टी अच्छा सूखने के बाद ही पानी डालिए। प्लांटेशन करने के बाद में 1 हफ्ते के लिए इसको छांव एरिया में डाल देना, जहाँ धूप नहीं लगता। थैंक यू फॉर वॉचिंग गार्डनिंग एक्सपीरियंस।